जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, जबलपुर गोंदिया रेल मार्ग पर व जबलपुर सिवनी छिंदवाड़ा रेल मार्ग पर रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवार रीवा एक्सप्रेस व नागपुर शहडोल नागपुर एक्सप्रेस के नए स्टॉपेज स्वीकृत कर दिए गए हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहा हूँ तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों विगत दिनों नई दिल्ली में बालाघाट सिवनी सांसद माननीय श्री डॉक्टर हर सिंह बिसेन जी ने केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से भेंट कर लोकसभा क्षेत्र बालाघाट सिवनी में विभिन्न आवश्यक रेल सुविधाओं के संबंध में आग्रह किया था, जिस पर माननीय रेल मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में रेलवे बोर्ड द्वारा 3 ट्रेनों के एक एक नए स्टॉपेज प्रायोगिक तौर पर जारी कर दिए हैं। पहली ट्रेन नंबर 11753-11754 रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा एक्सप्रेस वाया जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते। इस ट्रेन का स्टॉपेज लामटा रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक तौर पर दे दिया गया है। दूसरी ट्रेन नंबर 11755-11756 रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी रीवा एक्सप्रेस वाया जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते। इस ट्रेन का स्टॉपेज घनसौर प्रायोगिक तौर पर दे दिया गया है। और तीसरी ट्रेन नंबर 11201-11202 शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस का प्रायोगिक तौर पर केवलारी रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज दे दिया गया है। उपरोक्त सभी स्टॉपेज अति शीघ्र सुविधाजनक तिथि पर शुरू कर दिए जाएंगे, फिलहाल तारीख नहीं बताई गई है। ये स्टॉपेज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दिए गए हैं, प्रायोगिक तौर पर दिए गए हैं। इन स्टेशनों से होने वाली टिकट बिक्री पर कड़ी नजर रखी जाएगी, फिलहाल स्टॉपेज लागू होने की तारीख का इंतजार है। दोस्तों चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किस नए वीडियो में किस नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।